खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव। कुछ देर में जारी होगी स्वास्थ्य मंत्री की रिपोर्ट। मंत्री जयप्रताप ने खुद को आइसोलेट किया था। सिंगर की पार्टी में शामिल हुए थे स्वास्थ्य मंत्री, और इसी सिंगर की पार्टी में दुष्यंत भी शामिल हुए थे, जो थोड़ी देर पहले हमने बस्ती सांसद की खबर दिखाई थी आपको। और जो ताजा खबर इस पर हमें मिल रही है, स्वास्थ्य मंत्री की जो रिपोर्ट आई है वो फिलहाल रिपोर्ट पॉजिटिव है, माफ कीजिएगा निगेटिव है। मनीष श्रीवास्तव हमारे संवाददाता इस खबर पे, डिप्टी ब्यूरो चीफ हमारे जुड़ गए हैं। मनीष, इस खबर को लेकर क्या ताजा अपडेट है? देखिए, जिस तरह से कनिका कपूर की बात सामने आ रही थी कि उनका जब से टेस्ट पॉजिटिव आया था उसके बाद से हड़कंप मच गया था, क्योंकि वो जिन जिन पार्टियों में शामिल हुई थी उनमें कई कद्दावर मंत्री, नेता, सेलिब्रिटीज और ब्यूरोक्रेट्स उन पार्टियों में मौजूद थे। उनमें खास बात ये थी कि स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह भी एक पार्टी में कनिका कपूर की मौजूद थे, जहां कनिका कपूर आई थी। उसके बाद से ये हड़कंप मच गया था पूरे शासन और मंत्रिमंडल में कि जयप्रताप सिंह को तो कहीं कोरोना पॉजिटिव नहीं है। लेकिन अभी जो हमें जानकारी मिल रही है, पहली जो जांच उनकी हुई है, जिस तरह से उनको देखा गया, चेकअप किया गया, उसके हिसाब से जयप्रताप सिंह में कोरोना के कोई भी लक्षण नहीं पाए गए, किसी भी तरह का उसकी कोई भी पुष्टि नहीं हो पाई है, जिससे कहीं ना कहीं उनको राहत मिली है और वो बेहद चिंतित थे। खासतौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस मामले का संज्ञान लिया था। ये बात अब सही है कि जिस तरह से जयप्रताप सिंह ने खुद को आइसोलेट किया है, वो एक मैसेज है सभी अधिकारियों और सभी मंत्रियों को, जो भी कोरोना पॉजिटिव संक्रमित लोगों के संपर्क में आए वो खुद को आइसोलेट कर लें, ये सबसे बड़ा एक उपाय है। उसी को देखते हुए जयप्रताप सिंह की जो अभी जो हमें फीडबैक मिल रहा है, जो जानकारी मिल रही है, जयप्रताप सिंह में कोई भी कोरोना की किसी भी तरह की पुष्टि नहीं पाई गई है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी के लिए। तो किसी भी तरह की पुष्टि नहीं हुई है स्वास्थ्य मंत्री में, उन्होंने सबसे पहले अपने आप को आइसोलेट कर लिया था और आइसोलेट करने के साथ ही ये मैसेज भी लोगों को दिया है कि सबसे पहला कदम यही है।